हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग वेल एंड योर फेवरेट फिशेस आल्सो। फ्रेंड्स, आज हम आ गए एक नया वीडियो लेके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोटीग्रफ्स का ड्राइड सोल्जर फ्लाई लार्वा है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे कि ये फूड आपके लायक है कि नहीं, आपके फिश के लायक है कि नहीं, और इसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा बात करने वाले हैं कि इसका मार्केट वैल्यू क्या है, कहाँ पे आपको ये फूड मिलेगा, और इसका रिजल्ट्स, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह। तो वीडियो पूरा देखिए आखिर तक, और चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फ्रेंड्स, ये है ड्राइड ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे, जिसको हम BSF लार्वे भी बोल सकते हैं। ये 50 ग्राम्स का है अभी मेरे पास। ये इसमें 600 प्लस लार्वे है, जो कि लार्ज साइज लार्वेज है, ड्राइड लार्वेज। आपको मैं अभी खोल के दिखाऊंगा। आपको एक ऐसा कवरिंग मिलेगा, मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा उसके बाद। उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा कि इसका वैल्यूज क्या है। आपको ये प्रोडक्ट मेनली अमेजन से मिल जाएगा। इसका बहुत सारे वेरिएंट्स है, ये प्रोटीग्राफ्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको दूसरे कंपनीज, दूसरे ब्रांड्स जैसे प्रोटीन और दूसरे कई ब्रांड्स आपको मिलेंगे। मेनली प्रोटीन और प्रोटीग्राफ्स सेम कंपनी के तरफ से बनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने ये जब प्रोटीन ग्राफ्स ऑर्डर किया था, ये प्रोटीन फीड की तरफ से ही आया था। इसका मतलब ये दोनों सेम ब्रांड्स के अंडर में है प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। और आपको अगर डाउट होगा कि ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो नहीं, ये दोनों सेम है, जस्ट नाम अलग है। और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी सब सेम है, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको जो है प्रोडक्ट का प्राइस बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैं आपको बोला कि ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन में मिल जाएगा, और ये अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया। आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं अमेजोन से। और इसका मेनली प्रोटीन और प्रोटीग्राफ से, प्रोटीन का प्राइस है, ये दोनों वेरिएंट्स में आता है, एक डेड जो कि डाइट ऐसा डाइट फॉर्म में आएगा, और एक लाइव फॉर्म में आएगा। डाइट फॉर्म्स का वैल्यूज है 50 ग्राम का आपको पड़ जाएगा। प्रोटीन का मैं अभी प्रोटीन का बताऊंगा कि 50 ग्राम का प्राइस आपको पड़ जाएगा 280 रुपीज़ से 320 रुपीज़ तक। 110 ग्राम का पड़ जाएगा आपको 580 से 600 रुपीज़ तक। 220 ग्राम का आपको पड़ जाएगा 980 to 1000 रुपीज़ तक, और प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। और 500 ग्राम का आपको पड़ेगा 1580 to 1620 रुपीज़ तक। और आपको अगर 1 kg चाहिए, अगर आपके पास फार्म है और आप अगर दूसरे एनिमल्स के लिए भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड फूड है, जो कि आप अपने पेट को भी दे सकते हैं, जैसे हेन हो गया, आपका डॉग हो गया, दे सकते हैं आप अपने पेट्स को भी, तो 1 kg का आप ले सकते हैं। इसका प्राइस होगा 2100 से 2150 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। ज़्यादा लेने में आपका प्राइस थोड़ा पर 100 ग्राम कम पड़ेगा, लेकिन आप जो है अकॉर्डिंग लेंगे आपके रिक्वायरमेंट का, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्टोर आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो प्रोडक्ट जो है प्रोन होगा माइक्रोबियल्स, माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स का। आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेंगे, आप ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रोटीन का लाइव फीड भी आता है, जो कि यही प्रोडक्ट होगा लेकिन लाइव फॉर्म में। मतलब आपको ये जो प्रोडक्ट्स है, ये सोल्जर फ्लाई लार्वेज, ये आपको लाइव मिलेगा, जो फिशेस को मोर एक्सेप्टेबल होगा, फिशेस को मोर पसंद होगा, क्योंकि लाइव फीड जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है कार्निवोरस फिशेस को। लाइव फीड का प्राइस है पर 100 लार्वा आपको मिलेगा एक पैकेट, वो आपको पड़ेगा 185 रुपीज़। 200 लार्वे का एक आता है, जो कि आपको पड़ेगा 335 रुपीज़। 500 लार्वे का आपको पड़ जाएगा 495 रुपीज़। 1000 लार्वे का आपको पड़ जाएगा 949 रुपीज़। और 2000 लार्वेज का आपको प्राइस पड़ जाएगा 1490 रुपीज़। प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। ये मैं बोला आपको प्रोटीन का, प्रोटीन फीड का। और आपको मैं अभी प्रोटीग्राफ्स का बताने जा रहा हूँ, जो कि डेड और लाइव में आएगा ये भी,
डेड में इसका दो वेरिएंट है, लार्ज और स्मॉल। लार्ज का जो है प्राइस लगभग सेम है प्रोटीन का। लार्ज का प्राइस है 50 ग्राम का 280 रुपीज़, 100 ग्राम का है 510 रुपीज़, 500 ग्राम का है 1600 रुपीज़ एंड 1 केजी का है 2200 रुपीज़। इसका एक स्मॉल वेरिएंट है जिसका साइज इससे स्मॉल होगा। आपके पास अगर स्मॉल फिशेस है तो आप वो ले सकते हैं, यह स्मॉल साइज का। इसका 225 ग्राम आपको पड़ जाएगा 200 रुपीज़। तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन साइज़ कम है तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। 50 ग्राम का आपका पड़ जाएगा 350 रुपीज़, 110 ग्राम का आपको पड़ जाएगा 580 रुपीज़। सो ये है डेड। और आपका लाइव प्रोटीग्राफ्स का भी लाइव ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे आते हैं, सो वो आपको पड़ जाएगा 100 लार्वे 190 रुपीज़, 250 लार्वे आपको पड़ जाएगा 359 रुपीज़, 500 लार्वे आपको पड़ जाएगा 690 रुपीज़, 1000 लार्वे आपको पड़ जाएगा 990 रुपीज़, 2000 लार्वे आपको पड़ जाएगा 1490 रुपीज़। सो आप अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट के आप प्रोडक्ट जो है ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप ज़्यादा स्मार्ट है, आपको पता है कि कौन सा लेना चाहिए। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है डैमेज होता है अगर एयर पास होगा तो। सो आप स्मार्ट है, आप जानते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लाइव सोल्जर फ्लाई लार्वे लेने का, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो लाइव सोल्जर फ्लाई लार्वे होते हैं इसका एक लाइफ स्पैन होता है। सोल्जर फ्लाई लार्वे भी एक लाइव ऑर्गेनिज्म है तो इसका भी लाइफ स्पैन होता है। सो ये लार्वे स्टेज में 18 डेज तक रहते हैं और उसके बाद ये प्यूपा फॉर्म करते हैं। प्यूपा स्टेज में ये 14 डेज तक रहेंगे। सो अगर आप लाइव सोल्जर फ्लाई लार्वे लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग आप लगभग पकड़ ले 25 से 30 डेज तक ये लार्वे और प्यूपे फॉर्म में रहेगा सोल्जर फ्लाई। उसके बाद जो है ये एडल्ट बन जाएगा, मतलब ये प्यूपा से ये जो है सोल्जर फ्लाई बन जाएगा। सो आप ये ध्यान में रख के लीजिएगा, आपका मतलब आपका टाइम होगा 25 से 30 डेज तक, लगभग एक महीना तक। सो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ज़्यादा टाइम मैं अपने फिट को खिलाऊंगा, मेरा फिश कम है, क्वांटिटी कम है, फिश को मेरा कम चाहिए फिट, तो आप ओकेजनली भी दे सकते हैं इसको। इसके लिए आपको ये डाइट सोल्जर फ्लाई लार्वे लेना पड़ेगा। सो बेसिक डिस्कशन आप कर लिया, अभी हम इसका अंदर जाएंगे कि ये प्रोडक्ट में क्या है। सो फ्रेंड्स अभी हम प्रोडक्ट रिव्यू में आएंगे। सो हम कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले इस प्रोडक्ट का। सो ये प्रोटीग्राफ्स का प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये होल डाइट सोल्जर फ्लाई लार्वे 600 प्लस लार्वे इसके अंदर। सो दिस प्रोडक्ट इज हाईली एनरिच्ड विथ प्रोटीन एंड कैल्शियम, जो कि ये बहुत दोनों प्लस पॉइंट है बहुत ज़्यादा। और ये मेड इन इंडिया है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और ये आइडियल फॉर एरोवाना फ्लावर ऑस्कर एंड अदर कार्निवोर फिश बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, इसका MRP है 400 रुपीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे अमेजोन से 280 रुपीज़ पे लिया था। इसका नेट वेट है 50 ग्राम और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होगा, आपको फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा। और ये बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। सो मतलब आप एक साल तक ये प्रोडक्ट जो है यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो अबाउट दिस प्रोटीग्राफ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि प्रोटीन है इसके अंदर 40%, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रोटीन ही चाहिए फिश के ग्रोथ के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन 40% है। कैल्शियम 3% है, जो कि एक और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। आपका फिश अगर स्केल लॉस, फिन लॉस या बॉडी बोन डिफॉर्मिटी, मतलब आपका जो वर्टीब्रा है फिश का वो डिफॉर्म है, तो ये हेल्प करेगा आपके फिश का। फाइबर है 5%, मॉइस्चर 10% है, मतलब मॉइस्चर 10% मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होने से क्या होगा, फिश जो है और इजीली एक्सेप्ट करेगा, चीविंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली गल्प कट जाएगा आपका फिश। सो फैट 30%, लाइसिन है 6% और फॉस्फोरस है 0.7%। सो ये था कुछ स्पेसिफिकेशंस जो कि मैंने आपको आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। अभी हम प्रोडक्ट को ओपन करने वाले हैं।
ये तो मॉडल नंबर से कुछ, तो अभी हम इसको खोलेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा आपको कुछ कवरिंग मिलेगा। इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, इस एल्यूमिनियम फॉयल है सिर्फ एक, और इसमें कुछ यहाँ पे उतना अच्छा पैकेजिंग नहीं मिला है, यहाँ पे कुछ ग्लू टाइप का है। फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको जो है अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब इसको काट लेंगे यहाँ से, देखते ओपन होगा कि नहीं, तो फिर इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा नाइफ का। यहाँ से ही शायद ओपन हो जाएगा इजीली। सो ऐसे हम ओपन कर लिए हैं इसको। अभी प्रोडक्ट आप देखिए। ये है प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट से मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रहा है। अभी जहाँ पे भी हूँ मैं, थोड़ा छोटा सा मेरा चैनल है, लेकिन यहाँ पे भी हूँ तो आपके बदौलत ही हूँ। चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली से जुड़ने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रोडक्ट का क्वालिटी आप अभी तक देख लिए होंगे, ये देखिए प्रोडक्ट का क्वालिटी। इसका रिजिडिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है क्रिस्पी है, मतलब ये क्रस्ट हो जाएगा इजीली। ये देखिए फिश को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। और आपको इसको जो है, आपका फिश अगर छोटा है तो क्रश करके भी दे सकता है, तो इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है तो वेस्ट करना बहुत ही गलत बात होगा। फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, आप प्रोडक्ट का क्वालिटी देख लिए है, प्रोडक्ट भी देख लिए है कैसा है। आपका इवेंट साइज़ का तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग आपका सेम साइज़ मिलेगा। और आपको उससे क्या मतलब, आपको तो फिश को खिलाना है, फिश एक्सेप्ट करेगा तो ही बहुत बड़ी बात है। मैं अभी अपने फ्लावहॉर्न एरोवाना, मेरा एरोवाना है अभी, ऑस्कर मेरे पास था अभी नहीं है, एरोवाना एलिगेटर गार को भी देखूंगा। एलिगेटर गार मैंने लिया था, आपने अगर मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा एलिगेटर गार का तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और एरोवाना, एलिगेटर गार और मेरा फ्लावन को देखे देखूंगा ये फीड कि ये डायरेक्टली पहली बार एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, तो ये बहुत ही जो है अच्छी बात है। आप भी देख सकते हैं ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिए, आपको ही पता चल जाएगा कि ये कितना सूटेबल है आपके फिश के लिए, आपका फिश जो है पहली बार में ही एक्सेप्ट करता है कि नहीं, क्योंकि मैं आप ही फिश को देके दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट जाते वीडियो पे, फिश मेरा एक्सेप्ट करता है कि नहीं। फ्रेंड्स, देखिए कि मेरे एरोवाना ने बीएसएफ लार्वे जो है फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर लिया इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, मेरे फिश को ये बीएसएफ लार्वे पसंद तो आया इसका टेस्ट, लेकिन इसका क्रिस्पीनेस जो है फ्रेंड वो इसको पसंद नहीं आया। अल्टीमेटली ये मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर पाया फीड को। एज़ यूजुअल मेरा फ्लावर हॉर्न को फर्स्ट टाइम ये फीड एक्सेप्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। सो
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस फिश को बेटा के ऊपर भी ट्राई करके देखा था और बेटा भी इजीली एक्सेप्ट कर रहा था। ये जो वीएसएफ लार्वे का क्रश करने के बाद ये जो हमारे पास थोड़ा फ्लेक टाइप का फॉर्म आया था छोटा छोटा, इसको मैं मेरे बेटा को देके देखा था, तो बेटा इंटरेस्ट शो कर रहा था और एक्सेप्ट भी किया था। सो आप इसको बेटा को दे सकते हो ओकेजनली। लेकिन तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो नोटिफिकेशन आइकॉन आता है उसको भी ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना और अपना फिश का ध्यान रखिए। टेक केयर द हॉबी एंड सी यू सून।